गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है मल्टीपल ग्रुप बी एंड सी पोस्ट के लिए। ये वैकेंसी जो है वो रेगुलर बेसिस की है। नोटिफिकेशन की डिटेल में आते हैं, जिसमें नेम ऑफ द पोस्ट, पे मैट्रिक्स लेवल, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड अपर एज लिमिट मेंशन की गई है। फर्स्ट पोस्ट है कैमरामैन इलेक्ट्रॉनिक एंड फिल्म के लिए, पे लेवल 7 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है और एज लिमिट 30 ईयर्स है। आउट ऑफ 2 पोस्ट 1 पोस्ट ओबीसी के लिए और 1 पोस्ट एसटी के लिए। सेकंड पोस्ट है ग्राफिक एंड विजुअल असिस्टेंट, पे लेवल 6 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 और ये 2 पोस्ट जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए है। एज लिमिट 30 ईयर्स मेंशन की गई है। थर्ड पोस्ट है फिल्म एडिटर, पे लेवल 6, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1, ये पोस्ट जो है एसटी कैटेगरी के लिए है, एज लिमिट 30 ईयर्स। फोर्थ पोस्ट है मेकअप आर्टिस्ट, पे लेवल 6 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1, ये 1 पोस्ट एसटी कैटेगरी के लिए है, एज लिमिट 25 ईयर्स। फिफ्थ पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 1, पे लेवल 6, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 और ये पोस्ट जो है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए है, अपर एज लिमिट 30 ईयर्स। सिक्स पोस्ट है रिसर्च असिस्टेंट टेक्निकल, पे लेवल 6, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1, ये पोस्ट जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, अपर एज लिमिट 30 ईयर्स। सेवन्थ पोस्ट है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, पे लेवल 6, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2, आउट ऑफ 2, 1 पोस्ट फॉर ओबीसी एंड वन पोस्ट फॉर एसटी कैटेगरी, अपर एज लिमिट 50 ईयर्स। एट्थ पोस्ट है प्रोडक्शन असिस्टेंट, 1 पोस्ट रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी बी, पे लेवल 6 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2, आउट ऑफ 2, 1 फॉर एससी एंड 1 फॉर ईडब्ल्यूएस, अपर एज लिमिट 30 ईयर्स। नाइन्थ पोस्ट है असिस्टेंट मेंटेनेंस इंजीनियर मैकेनिकल, पे लेवल 6 है, टोटल पोस्ट 1 और ये पोस्ट जो है जनरल कैटेगरी के लिए है, अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। टेंथ पोस्ट है असिस्टेंट मेंटेनेंस इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, पे लेवल 6 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1, ये पोस्ट जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए, अपर एज लिमिट 30 ईयर्स। एलेवेंथ पोस्ट है साउंड रिकॉर्डिस्ट, पे लेवल 6, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1, ये पोस्ट जो है वो एसटी कैटेगरी के लिए, अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। ट्वेल्थ पोस्ट है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, पे लेवल 4, टोटल पोस्ट 7 आउट ऑफ 7, 3 फॉर जनरल, 2 फॉर ओबीसी, 1 फॉर एसटी एंड 1 फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, अपर एज लिमिट 25 ईयर्स। 13 पोस्ट है डिमॉन्स्ट्रेटर साउंड रिकॉर्डिंग, पे लेवल 4 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 आउट ऑफ 3, 2 फॉर जनरल एंड 1 फॉर ओबीसी, अपर एज लिमिट 40 ईयर्स। 14th पोस्ट है स्टेनोग्राफर के लिए, पे लेवल 4 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, 1 पोस्ट फॉर ओबीसी एंड 2 पोस्ट फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एज लिमिट 27 ईयर्स है। 15th पोस्ट है अपर डिवीजन क्लर्क, पे लेवल 4 है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2, अपर एज लिमिट 27 ईयर्स। 16th पोस्ट है मैकेनिक के लिए, पे लेवल 4 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4, मैक्सिमम एज लिमिट, अपर एज लिमिट 25 ईयर्स है। 17th पोस्ट है हिंदी टाइपिस्ट क्लर्क के लिए, पे लेवल 2 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1, अपर एज लिमिट 25 ईयर्स। 18th पोस्ट है कारपेंटर के लिए, पे लेवल 2 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है और अपर एज लिमिट 25 ईयर्स। 19th पोस्ट है ड्राइवर के लिए, पे लेवल 2, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 है और अपर एज लिमिट 30 ईयर्स। 20th पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन के लिए, पे लेवल 2 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 है, आउट ऑफ 4, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 है और ये 4 पोस्ट जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए, अपर एज लिमिट 25 ईयर्स है। 21th पोस्ट है पेंटर के लिए, पे लेवल 2 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2, आउट ऑफ 2, 1 फॉर जनरल एंड 1 फॉर एसटी कैटेगरी, मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स। 22nd पोस्ट है टेक्नीशियन के लिए, पे लेवल 2 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5, आउट ऑफ 5, 2 फॉर कैटेगरी, 2 फॉर एससी, 1 फॉर एसटी और अपर एज लिमिट 25 ईयर्स है। 23rd पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ असिस्टेंट कारपेंटर के लिए, पे लेवल 1, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और अपर एज लिमिट 25 ईयर्स। 24th पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ लेबोरेटरी अटेंडेंट, पे लेवल 1, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1, अपर एज लिमिट 25 ईयर्स। 25th पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ प्लम्बर के लिए, पे लेवल 1 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 और ये पोस्ट जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और अपर एज लिमिट 25 ईयर्स है। 26th पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ क्लीनर के लिए, पे लेवल 1 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 और अपर एज लिमिट 25 ईयर्स। 27th पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, पे लेवल 1, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 और अपर एज लिमिट 25 ईयर्स। 28th पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ प्यून के लिए, 1 पोस्ट रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, पे लेवल 1 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6, आउट ऑफ 6, 2 फॉर जनरल, 2 फॉर ओबीसी, अपर एज लिमिट 25 ईयर्स है। 29th पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ कुक कम चौकीदार, पे लेवल 1 है,
टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 और अपर एज लिमिट 25 ईयर्स। 30th पोस्ट है स्टूडियो असिस्टेंट पे लेवल 1, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 15, आउट ऑफ 15 14 फॉर जनरल कैटेगरी, 1 फॉर एसटी एंड अपर एज लिमिट 25 ईयर। तो इन सारे पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की जा रही है और ये सारे पोस्ट जो है वो रेगुलर बेसिस के हैं। नेक्स्ट नोट सेक्शन, यहाँ मेंशन किया गया मोड ऑफ रिक्रूटमेंट विल बी पेपर, ठीक है। तो ओएमआर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करवाई जाएगी और कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट भी कंडक्ट करवाई जाएगी। नेक्स्ट है 7 पोस्ट आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन अगेंस्ट पोस्ट फ्रॉम सीरियल नंबर 12 to 30। एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स होगी फॉर SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन PWD और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। 4th है एज पर एप्लीकेबल DOPT रूल एज रिलैक्सेशन ऑल्सो बी ग्रांटेड टू विडो डिवोर्स्ड वीमेन एंड वीमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स एंड हु आर नॉट रीमैरिड। एज ऑफ रिटायरमेंट एट FTII इज 60 ईयर्स। नंबर ऑफ वैकेंसीज आर टेंटेटिव है, दे में इंक्रीज और डिक्रीज। नेक्स्ट है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन 29th ऑफ मे इवनिंग 6 o'clock है। फॉर एनी क्वेरीज यहाँ ऑफिशियल फ़ोन नंबर मेंशन की गई है और ईमेल आईडी मेंशन की गई है। तो यदि आपके पास कोई डाउट है इस वैकेंसी को लेके तो आप ऑफिस आवर 10 to 4 के बीच आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मेंशन की गई है। तो यहाँ जितने भी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की जा रही है पोस्ट के अकॉर्डिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है। तो इसको फॉर्म अप्लाई करने से पहले इसको चेक कर लें। ये नोटिफिकेशन जो है वो 81 पेजेज का है। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, वहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लें। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेक्शन, जिसमें मेंशन किया गया है कि जितने भी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट की जा रही है सारे पोस्ट के लिए OMR बेस्ड एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। वो एग्जाम का मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स का रहेगा और क्वेश्चन का पैटर्न MCQ टाइप रहेगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन पेपर फॉर ईच पोस्ट विल हैव क्वेश्चन फ्रॉम जनरल एबिलिटी एंड स्पेसिफिक एरिया। जनरल एबिलिटी का वेट 60 रहेगा और स्पेसिफिक एरिया के लिए 40। जनरल एबिलिटी को फर्दर 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन है जनरल नॉलेज, देन जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड कंप्यूटर, ठीक है, कैरिंग 15% वेटेज ईच। सिलेबस ऑफ जनरल एबिलिटी ऑफ 60 मार्क्स इज कॉमन फॉर ऑल पोस्ट बट इट्स डिफिकल्टी लेवल चेंजेस एज पर रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट इन क्वेश्चन। वेयर एज सिलेबस फॉर 40 मार्क्स स्पेसिफिक एरिया चेंजेस फॉर ईच पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम के पैटर्न को लेके इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेंशन की गई है, इसको चेक कर लें। मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर द टेस्ट आउट ऑफ 100। नेक्स्ट वे मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर द टेस्ट आउट ऑफ 100। जनरल के लिए 50 मार्क्स, OBC, NCL और जनरल EWS के लिए 45 मार्क्स, 40 मार्क्स फॉर SC ST PWD एंड 35 मार्क्स फॉर OBC NCL PWD, 30 मार्क्स फॉर SC ST PWD। देयर आर नो सेपरेट पासिंग मार्क्स फॉर जनरल एबिलिटी विद सबसेक्शन और स्पेसिफिक एरिया। इन टोटल मार्क्स आउट ऑफ 100 विल बी कंसिडर्ड। नेक्स्ट स्किल टेस्ट वेयर एवर एप्लीकेबल विल बी हेल्ड ओनली फॉर द कैंडिडेट हु क्वालिफाई। PVT एंड सेम विल बी इन्फॉर्म टू द कैंडिडेट्स बाई ई मेल और क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगी
स्किल के लिए 50%। हिंदी टाइपिस्ट पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाई जाएगी। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर भी स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाई जाएगी। तो यहाँ पे एग्जाम को लेके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेंशन की गई है, इसको चेक कर लें। नेक्स्ट में एग्जामिनेशन सेंटर, तो एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो न्यू दिल्ली, पुणे, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता रहेगी। तो इन सारे सिटीज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी। और एप्लीकेशन फॉर्म में, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कैंडिडेट्स हैव टू गिव ऑप्शन फॉर थ्री सेंटर्स इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है, तो आउट ऑफ फाइव आप थ्री सेंटर्स सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड ऑनलाइन ओनली, कैंडिडेट शुड फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्मेट। तो यहाँ लिंक मेंशन की गई, इसके थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल मेंशन किया गया कि कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना और उसकी साइज कितनी होनी चाहिए। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को क्लियरली समझ लें, देन अप्लाई करें। लास्ट डेट है एप्लीकेशन का 29th of May। एप्लीकेशन फी 1000 rupees है फॉर ईच पोस्ट। वीमेन कैंडिडेट, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं है और एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है।